नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। केएल राहुल को टीम इंडिया के टेस्ट उपकप्तान पद से हटाए जाने के बाद अब भारतीय टेस्ट टीम की उपकप्तानी संभालने के दावेदार की जमकर चर्चा हो रही है। केएल राहुल की जगह रविंद्र जडेजा की टीम इंडिया के नए टेस्ट उपकप्तान बनने के दावेदार हैं, लेकिन एक धाकर क्रिकेटर ऐसा है जो उन पर इस मामले में भारी पड़ सकता है। केएल राहुल को भारतीय टेस्ट टीम की उपकप्तानी से हटाए जाने के बाद एक स्टार खिलाड़ी ऐसा है जो भारत का नया टेस्ट उपकप्तान बनने का सबसे दावेदार है। आइए एक नज़र डालते हैं उस खिलाड़ी पर जो भारत का नया टेस्ट उपकप्तान बन सकता है। टीम इंडिया के युवा ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल को भारत का अगला टेस्ट उपकप्तान बनाया जा सकता है। 23 साल के शुभमन गिल अपनी बेकौफ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। शुभमन गिल अगर उपकप्तान बनते हैं तो फिर केएल राहुल को टेस्ट टीम से बाहर जाना होगा। केएल राहुल की जगह शुभमन गिल रोहित शर्मा के साथ टेस्ट ओपनर की भूमिका निभा सकते हैं और साथ ही उपकप्तानी भी कर सकते हैं। शुभमन गिल को ओपनिंग के साथ भारत के टेस्ट उपकप्तान की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। शुभमन गिल का टेस्ट क्रिकेट में भविष्य बहुत उज्ज्वल है। ऐसे में वो लंबे समय तक टीम इंडिया के लिए ओपनिंग कर सकते हैं और उपकप्तानी का रोल भी निभा सकते हैं। टेस्ट, वनडे और T20 तीनों में ही फॉर्मेट के लिए टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल। भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट उपकप्तान बनने के सबसे बड़े दावेदार हैं। टीम इंडिया के युवा ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल को भारत का अगला टेस्ट उपकप्तान बनाया जा सकता है। गिल को ओपनिंग के साथ भारत के टेस्ट उपकप्तान की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। महज 23 साल की उम्र में ही शुभमन गिल भारत के लिए टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। शुभमन गिल अभी तक भारत के लिए 6 T20 इंटरनेशनल मैचों में 40.4 की बेहतरीन औसत से 202 रन बना चुके हैं, जिसमें एक शतक शामिल है। शुभमन गिल के पास टेस्ट मैचों में ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी करने का अनुभव है। गिल की बल्लेबाजी में विराट कोहली और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी की झलक देखने को मिलती है। शुभमन गिल जिस तरह के बल्लेबाज है, उसे देखते हुए अगले 10 से 15 साल तक भारत के लिए क्रिकेट खेल सकते हैं। शुभमन गिल ने अभी तक 21 वनडे मैचों में 73.76 की तूफानी औसत से 1254 रन बना लिए हैं, जिसमें एक दोहरा शतक, 4 शतक और 5 अर्धशतक शामिल है। शुभमन गिल भारत के लिए अभी तक 13 टेस्ट मैचों में 736 रन बना चुके हैं, जिसमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें।